अब देखिए यहाँ पे है, इफ अ टाइपिस्ट टाइप्स 900 वर्ड्स इन 1 आवर, अगर एक टाइपिस्ट जो है कुछ वर्ड्स को टाइप करता है, कितने वर्ड्स को, 900 वर्ड्स को टाइप कर रहा है इन 1 आवर, व्हाट इज द यूनिट रेट ऑफ टाइपिंग वर्ड्स पर मिनट। तो इसका मतलब है कि वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स को टाइप करेगा, सिर्फ 1 मिनट की पूछिए, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 1 आवर, क्योंकि यहाँ मिनट्स का पूछा है तो हम आवर को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर और 60 मिनट्स। तो कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है, वो 900 वर्ड्स को टाइप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप पर मिनट, 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगा, तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 0 से 0 कैंसिल करें, ठीक है, 6 1 6 and 6 5 13। तो 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है, वो 15 वर्ड्स टाइप कर रहा है। इन्होंने यूनिट रेट पूछा है, यूनिट रेट मतलब 1 मिनट का, किसी की भी वैल्यू 1 में फाइंड आउट करनी, यूनिट मीन्स 1, ठीक है। अब इन्होंने आगे नहीं पूछा कि कितने मिनट्स में और टाइप कर सकता है, इन्होंने सिर्फ यूनिट का पूछा है, तो हम इतना ही बताएंगे कि 1 मिनट में उसने कितने वर्ड्स को टाइप किया है, तो 1 मिनट में वो 15 वर्ड्स टाइप कर सकता है। ओके, अब इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ ₹240 इज चार्ज फॉर 50 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की 50 यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चार्ज लगना है ₹240, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 यूनिट का चार्ज कितना है पर यूनिट, ठीक है। तो हम देखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स के लिए कितना चार्ज लगना है, ₹250, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट मतलब 1 यूनिट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 यूनिट क्या करेंगे, ज़्यादा का बताया गया है हमको, 1 का निकालना है, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ₹250 होल डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल करें, 5 5 and 5 5 35। तो 1 यूनिट का चार्ज कितना होता है, ₹5। तो ये था इन ऑल आपका यूनिटरी मेथड का, और आपका जो है यूनिटरी मेथड का था ये पूरा सेशन, और हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट किया है किस तरीके से ज़्यादा से हम लोग 1 की कॉस्ट निकालते हैं और 1 से फिर से ज़्यादा की निकालते हैं। होप सो कि आपको ये चैप्टर जो है फुली क्लियर हो गया होगा।